में यूपीएससी में जो भी मकाम हासिल कर पाई हूँ वो गिरिडीह के वजह से है और यहाँ के लोगों के वजह से है। इन सब ने मेरा, मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ाया जिसके नतीजे मैं यहाँ तक पहुंच पाई। मैं आप बता देती हूँ, इमरान अंकल ने तो बता दिया है, बट स्टिल मैंने अपना 10th क्लास तक BNS DAV से किया है और +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया था और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी। मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट है। पहले तो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट मेरे फादर ने हिम्मत दी कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो हिम्मत थी आज रंग लाई है। मैं यूपीएससी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पहले बात करती हूँ। यूपीएससी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम है। इससे आप IAS, IPS, IRS और बहुत बड़े बड़े पदों पर जाते हैं जहां से आप देश को चलाने का काम करते हैं। और इसका 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेन सब्जेक्टिव होता है, उसके 8 से 9 पेपर होते हैं और आपका इंटरव्यू स्टेज होता है। और आज जब आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो आज आई नो ये सेलिब्रेशन का माहौल है, बट सेलिब्रेशन से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें आत्म चिंतन करना चाहिए कि आज जो देश का इतना सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोस्ट है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, अदर जो होते हैं जर्नलिज्म हो गया, जो बिजनेस सेक्शन हो गया, वहां पे हमारी कॉम का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे में ग्रेजुएशन का परसेंटेज ही सिर्फ 5% है और हमारी आबादी 14% है। इससे क्या पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और यही बात सज्जन कमेटी ने बताया है। आज जो हमारी कॉम का जो प्रोग्रेस है उसको कहीं ना कहीं SC ST से भी नीचे रखा जाता है। ये काफी सोचने का विषय है और चिंता का विषय है। अब बात ये आता है कि हम इतना पीछे कैसे रह गए हैं? क्या हम हमेशा से इतने बैकवर्ड थे? नहीं। और जब ब्रिटिश राज कर रहा था तो उन्होंने पर्शियन को हटा के, जो उस समय की जो मुसलमानी सल्तनत थी, हुकूमत थी, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, उसको हटा के इंग्लिश और हिंदी को प्रमोट किया। बट हम बदलती हवा को पहचान नहीं पाए। हमें लगा कि नहीं, पारसी तो हमारा प्राइड है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे, इंग्लिश और हिंदी हम नहीं सीखेंगे। तो उसमें क्या हुआ, जो सरकारी जॉब, जो नए नए जॉब क्रिएट हुए, तो उस प्रोग्रेस से हम पीछे रह गए। और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना था, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सोशल प्रोग्रेस होना था, वहां पे हम पीछे रह गए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें उस माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर वक्त बदल रहा है तो बदलते वक्त के साथ हमें भी अपने आप को ढालना होगा। ये बहुत जरूरी है, दीन बहुत जरूरी है, बट अल्लाह ने हमें अगर दुनिया में भेजा है तो हम बस आंख बंद करके दीन ही को देखें, ये तो सही नहीं होगा। आप दीन और दुनिया दोनों को मजबूती से पकड़िए, क्योंकि अगर आप कमजोर रहेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी, हमने पर्शियन से हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो इससे फिर क्या हुआ, जो एक आर्थिक दिक्कत है वो कॉम में आई। और आर्थिक दिक्कत इसी वजह से आई क्योंकि हम एजुकेशन में बैकवर्ड रह गए थे। अगर आप एजुकेशन में बैकवर्ड रह जाते हैं तो एक
साइकिल शुरू हो जाता है बैकवर्डनेस का। अब टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड रहेंगे, अब सोशल तरीके से बैकवर्ड रह जाएंगे, आपका एक गलत इमेज बन जाता है कि ये तो पीछे रहने वाली कौम है। तो इस चीज को हमें चेंज करना है हमें बहुत ही। और ये कैसे होगा, जैसे मेरा जो इंटरेक्शन होता है वो स्टूडेंट से होता है, तो मैंने क्या पाया कि स्टूडेंट तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो बनना है। बट थैंकफुली आज पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चियों को मौका दीजिए। अगर मेरे फादर ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया होता, मैं 2013 में गिरिड से बाहर निकल गई थी, साल में 2 बार या 1 बार घर वापस आती थी, बट मेरे मम्मी और डैडी ने कभी भी ट्रस्ट नहीं खोया। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें यहाँ जाना है, चले जाओ, तुम्हें ये करना है कर लो, बस बता दो कितने पैसे चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। तो उन्हीं के भरोसे और उन्होंने जो मुझे आजादी दी और जो भरोसा दिखाया, तो आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होता कि हम कर नहीं सकते या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 5% हम ग्रेजुएट हैं और 5% हम यूपीएससी में आ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सक्सेस रेट 100% है। तो बहुत जरूरी है कि जो देश डिसीजन मेकिंग है हम वहां पे और हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को प्रोग्रेस की रास्ते और इस देश को भी मजबूत करें, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आती हूँ यूपीएससी के लिए। आप लोगों को पता है यूपीएससी क्या होता है, किसी को पता है? तो सोशल मीडिया तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, तो सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सर्च किया करिए कि कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू करिए। यूपीएससी एग्जाम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं। इसमें सब कुछ पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इस तरफ आए, तो आप अभी से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी जुटाएं, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी आप जिस भी क्लास में हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करके और किताबी नॉलेज के बाहर भी देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। इससे आपका सोचने का जो पावर है, एक क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बढ़ता है और आप अवेयर होते हैं। आप अगर मजबूत होंगे तो ये कौम मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा। तो मैं लास्ट में यही एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि एजुकेशन इज अ वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ये नेल्सन मंडेला ने कहा है और लिटरली मैंने अपनी लाइफ में ये फील किया है। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फिर आप मुझे वो बता दें, मैं वो आंसर कर दूंगी। थैंक यू। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर पाइस एग्जाम रिजल्ट, बिकॉज़ आई एम एसएससी एस्पिरेंट, सो लाइक दिस दिस माय लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन। आपने पूछा कि कैसे मेंटेन करें, तो कंसिस्टेंसी के लिए आप पहले देखते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्यों। आपने अगर कुछ एक लक्ष्य बनाया है तो आप उसको सोचते हैं कि एग्जाम मुझे क्यों देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा था कि मुझे यूपीएससी करना है क्योंकि मैं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ अपने देश, अपने समाज के लिए, तो वो चीज मुझे मेंटेन करता हेल्प करती थी कि मैं मोटिवेटेड रहूं। और कंसिस्टेंसी के लिए आप एक रूटीन बना लीजिए, आप 6 महीने का रूटीन बनाइए, मंथली रूटीन बनाइए, वीकली रूटीन बनाइए और उस रूटीन पे स्टिक करिए
और प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आप उससे बात करिए, वो आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं तो फिर वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी, तो फिर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करें या फिर उसका इस्तेमाल पॉजिटिवली करें। और कंसिस्टेंसी ना इम्प्रूवमेंट से आती है। अगर आप पहले कुछ फेल हुए किसी एग्जाम में तो फिर आप देखिए कि मेरी क्या गलती हो गई थी जिससे मैं फेल हो गया, उसको फिर दोबारा रिपीट मत करिए, उसको इम्प्रूव करिए। तो वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, फिर आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे। बहुत ही रेलिवेंट सवाल है। जब मेरा 2 बार फिल्म से फेल हो गया तो लगा कि मैं खुद पे डाउट करने लग गई कि शायद मैं यूपीएससी के लिए नहीं बनी हूँ, यूपीएससी नॉट मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ। बट थैंकफुली जब मैंने देखा कि मेरा हाफ नंबर से या फिर 1 नंबर से फेल हो रहा था, तो मैंने बैठ के एनालाइज किया कि मेरी क्या गलतियां हुई थी। और जब मैं समझ गई कि मेरी गलती क्या थी, मुझे वहां से मोटिवेशन आ गया कि अब मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगी। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी जर्नी में मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और पेरेंट्स ने बहुत ही ट्रस्ट रखा। तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे तो करना है। और जब मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया तो ना बस प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस भी हो गया और इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। और बस लास्ट में 1 नंबर सिलेक्शन रुक गया था, जो मैंने फिर 4th अटेम्प्ट में ले लिया है 670 रैंक। जी मेरा क्वेश्चन है, हम यूपीएससी के लिए 18 घंटे 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ते हैं, और फिर हमने एग्जाम दिया, हमारा यूपीएससी क्रैक हुआ, फिर भी हम गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, बल्कि वो तो नहीं एजुकेटेड होते हैं, पैसे से वोट खरीदते हैं और 420 करके इलेक्शन जीतते हैं, 420 करके वो इलेक्शन जीतते हैं, फिर हमें ऑर्डर देते हैं। तो जो हमारी जो इतनी मेहनत थी वो कब काम आएगी और कहाँ पे काम आएगी? देखिए, जो यूपीएससी क्रैक करके ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, उनको ये कहा जाता है कि दे आर इनविजिबल हीरोज, उनको पर्दे के पीछे रहकर काम करना होता है, वो काम करने। ये बात सच है कि जो शाबाशी होती है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो लेकर जाते हैं। और एक जो हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस एजुकेटेड नहीं है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी है, वो लोग ही उनको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो ये बात हिडन नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये बात डिमोटिवेट होने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, स्टेशन हो गए, उनको सब जानता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अहमद है जी। मैम ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में रहकर किसी का प्रिपरेशन कैसे करें, और जाना जरूरी तैयारी कैसे करें? ये बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट सवाल है। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आज से 4-5 साल पहले, तो ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो आज सोशल मीडिया कैन बी योर बिगेस्ट टूल, और आज बहुत ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले आपको ORN जाके 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको खर्च करने पड़ते थे, तो आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको कौन से बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है आपको ये पता चल जाएगा, और बहुत ही सस्ते रेट पे, जैसे फिजिक्स वाला का हो गया और स्टडी IQ का जो ऑनलाइन कोर्स आता है, आप या तो वो लेकर कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, सब कुछ अवेलेबल है, इवन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करिए और प्रीवियस ईयर की बुक मंगवाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद
जो बुक आप बुक लिस्ट बनाइए कि पॉलिटी के लिए कौन से बुक चाहिए, हिस्ट्री के लिए कौन से बुक चाहिए, आप फिर अपनी तैयारी वहाँ पे स्टार्ट करिए। और जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। और अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो फिर मेंस का पूरा सिलेबस डाउनलोड करिए, हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाइए, और इसके लिए टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है। तो आज यूपीएससी की तैयारी करना तो बहुत आसान है। आप कौन सा ऑब्स्टिकल आपको परेशान कर रहा है, क्या ऑब्स्टिकल है? देखिए फैमिली इश्यूज है, इसको आप तो शायद खत्म ना कर सके एक दिन में या दो दिन में, तो आपको सब चीजें को साथ में लेके चलना होगा और आपको कम से कम 7 से 8 घंटा का वक्त निकालना होगा कि बस दरवाजा नहीं हो पाएगा करूंगा, आपको ये तो करना होगा।